कि हम अपने डॉगीज को क्या फीड करते हैं। तो फिर अगर ये जैसे मैंने इसे खरीदा थी तब ये 30 दिन का था, तो 30 दिन पर मैंने इसे पहले क्या खाना शुरू करा, तो मैंने डॉक्टर से सारे यही करते हैं यार, जिसका भी पहला पप्पी होता है वो क्या करता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करता है। तो मैंने वही पूछा था डॉक्टर से, डॉक्टर ने पहले कहा कि उसे फर्स्ट वीक तक सेरेलैक, तो उसके बाद वो कुछ रॉयल कैनिन आई थिंक दिस ब्रांड दिस स्टार्टर पैक एंड आई थिंक ही लाइक्स इट अ लॉट बिकॉज अभी 10 मिनट पहले ही मैंने इसे दिया था और इसे बहुत पसंद आया था, वो बहुत अच्छे तरीके से खा रहा था। ये भी बहुत फ्रेंडली है, ज़्यादातर लोगों के मिसकंसेप्शन होती है कि ये डोबरमैन जो होते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी थोड़ा पपी है इसलिए इसकी बाइटिंग की आदत है, क्योंकि इसके भी दांत निकल रहे हैं। वैसे ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट होता है और बहुत फ्रेंडली नेचर है। ये देखिए मैं इसे टच कर रहा हूँ, इसका फनी बिहेवियर देखिए थोड़ा He's trying to act weird. ये इसकी फेवरेट प्लेस है सोने की, मेरे इसका बेड बेटर है इसका खुद का अपना सोने के लिए, लेकिन इसे इस किचन के पास ही इस बालकनी से बाहर झांकते हुए इसे यहाँ पे स्लैट्स के बाहर देखना इसे बहुत पसंद है। ये मेनली यहीं पे रहना चाहता है ज़्यादातर टाइम अपना। तो और आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि मैं इसे दिन भर मतलब कि कैसे प्ले करता हूँ इसे, आजकल मैं इसे ट्रेन भी कर रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे ट्रेन कर रहा हूँ, या फिर आपके पास कोई भी अगर पूछना चाहते हैं आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पप्पी है। मैं जो भी इसके साथ अभी मतलब खिलाने वाला हूँ, इसे वैक्सीनेशन देने वाला हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।